नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया और आयुक्त श्रवण राम चौधरी ने चांदमल मोदी पुस्तकालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सभापति और आयुक्त ने पुस्तकालय में आने वाले पाठकों से बातचीत करते हुए समस्याएं भी जानी। बातचीत के दौरान पाठकों ने पुस्तकालय में रोशनी व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था सहित कई अन्य प्रकार की समस्याओं से अवगत भी करवाया। इस दौरान दोनों अधिकारी ने पाठकों की समस्याओं पर शीघ्र ही अमल करने का आश्वासन भी दिया। आयुक्त श्रवण राम चौधरी ने कहा कि सभापति नरेश कनौजिया के साथ पुस्तकालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाठकों ने कई प्रकार की समस्याओं के बारे में बताया है, जिन पर शीघ्र ही अमल किया जाएगा। यहां पर रोशनी और शौचालय की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा, साथ ही पुस्तकालय में खाली पड़े एक कमरे को डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में विकसित किए जाने का प्लान है। नगर परिषद सभापति नरेश कनौजिया ने कहा कि लंबे समय से पुस्तकालय के पाठकों के साथ साथ विद्यार्थियों की ओर से विभिन्न प्रकार की व्यवहारिक समस्याएं भी सामने आ रही थी, इसी को लेकर पुस्तकालय का निरीक्षण किया गया है। समस्याओं का शीघ्र ही समाधान भी किया जाएगा और पाठकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। मालूम हो कि विगत दिनों एसडीएम मृदुल सिंह ने भी चांदमल मोदी पुस्तकालय का औचक निरीक्षण कर पाठकों से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं से रूबरू हुए थे। चांदमल मोदी पुस्तकालय का माननीय सभापति मोदी के साथ निरीक्षण किया गया है। सभापति मोदी द्वारा बताया गया कि विद्यार्थी जो यहाँ पढ़ने आते हैं उन बच्चों ने जो समस्याएं बताई उसके अनुसार नगर परिषद द्वारा इस पुस्तकालय का अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ की जो शौचालय की व्यवस्था है उनको सुधार किया जाएगा, फर्नीचर की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, यहाँ फ्लोर सीलिंग और लाइटिंग की व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। बच्चों को बेहतर सुविधा किस प्रकार मिल सके, बच्चे यहाँ आराम से पढ़ सके, इस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं नगर परिषद द्वारा की जाएगी। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए भी यहाँ जो लाइब्रेरी का एक हॉल खाली है उसमें आधा पार्ट डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में निर्माण किया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर लगाए जाएंगे और आधा पार्ट इसका ऑफलाइन लाइब्रेरी का काम लिया जाएगा। काफी समय से युवाओं की और छात्रों की जो मांग है, कई बेरोजगार युवक है और उनके लिए समस्या रहती है, लाइब्रेरी का वो उपयोग करते हैं चांदमल मोदी का, तो उसमें व्यवहारिक समस्या थी कोई लाइट की, कोई बाथरूम की और कई डिजिटल लाइब्रेरी की, ऐसी इनकी मांग थी। तो उसके लिए कमिश्नर साहब के साथ मैंने यह अवलोकन किया है, हमारे तकनीकी अधिकारी भी रहे, तो हमारा यही है कि इस लाइब्रेरी को ज्यादा से छात्र उपयोग करें, छात्राएं उपयोग करें और उनके लिए समुचित मटेरियल जितना भी हम दिला सकते हैं, रोजगार संबंधित यहाँ पे जानकारी उपलब्ध हो, लाइब्रेरी का स्वरूप अच्छा हो और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ने आते हैं उनको अच्छा वातावरण मिले, तो यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी और ये जो मेंटेनेंस का काम है आगामी दिनों में हम कराने जा रहे हैं। वर्षों से संचालित आपके शहर में प्रदीप पेट शॉप भवरलाल गोठी स्कूल के पास, जहां आप पाएंगे सभी प्रकार के ब्रांडेड डॉग फूड, डॉग एसेसरीज, ट्रीट्स, डॉग सप्लीमेंट्स और साथ ही विश एक्वेरियम की विशाल रेंज में फिश फूड, फिश एसेसरीज, एक्वेटिक फिशेज व बर्ड केज, बर्ड फूड वाजिब दाम पर उपलब्ध है। और साथ ही ब्यावर का पहला एकमात्र डॉग पार्लर, जहां कटिंग, ग्रूमिंग, नेल कटिंग, ईयर क्लीनिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही चले आए प्रदीप पेट शॉप भंवरलाल गोठी स्कूल के पास, कृष्णा कॉलोनी, ब्यावर। मोबाइल नंबर 9928475861।